ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले, तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलते हैं स्क्रीन के ऊपर। गाइस हम लोग कवर करने वाले टर्मिनोलॉजी, ये होती क्या है, जो बेसिक टर्म्स होती है फॉरेक्स मार्केट में जो हमको जाननी होती है, किस चीज़ का मतलब क्या होता है, ये सारी चीज़ हमको सीखना समझना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले फोकस करते हैं दैट इज कि व्हाट इज पिप्स, व्हाट इज पॉइंट्स एंड व्हाट इज टिक्स। ठीक है, देखो मार्केट क्या होता है, जैसे कि मैं अभी चार्ट दिखा रहा हूँ आपको, ये दिस इज अ गोल्ड चार्ट। ठीक है, ये गोल्ड का चार्ट है। अब यहाँ पर गौर करना आप कि ये जो प्राइस रेंज है, दिस इज अ प्राइस रेंज। ठीक है, मार्केट सर्टेन प्राइसेस ऊपर जा रहा है, सर्टेन प्राइसेस नीचे जा रहा है। ठीक है, तो इस प्राइस को कैलकुलेट करना को कैलकुलेशन को हम लोग ये इस तीन फेज में कैलकुलेट करते हैं, दैट इज कि कितने पॉइंट्स मूव किया है, कितने पिप्स मूव किया, कितने टिक्स मूव किया है। वैसे तो मेजोरिटी पिप्स एंड पॉइंट्स में अभी लोग कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, टिक्स की उतनी ज्यादा मतलब ज्यादा लोग कैलकुलेट नहीं करते हैं, द टिक्स इधर, द पॉइंट्स इधर, द पिप्स। तो ये दो इंपॉर्टेंट आपको सीखना जरूरी है, मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे करते हैं। ठीक है, लेट्स टेक एन एग्जांपल, यूरो यूएसडी जो है 1.23075 से 1.23175 तक गया। ठीक है, इसकी कैलकुलेशन बहुत सिंपल होती है कि कितना पिप्स मूवमेंट किया है मार्केट। ठीक है, तो यहां पर अगर डेसिमल से फोर डिजिट लाइक 1, 2, 3, 4, 7 इज द फोर्थ डिजिट। ठीक है, तो यहां पर अगर ये 7 से 8 होता है तो हम बोलेंगे एक पिप चेंजेस हुआ। ठीक है, मार्केट एक पिप ऊपर या नीचे गया। ठीक है, 7 से 8 हुआ तो एक पिप ऊपर गया। ठीक है, ओके, और डेसिमल से थर्ड दैट इज 1, 2, 3, ये जहां पर जो जीरो है, ठीक है, दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ एंड दिस इज सेकंड। तो हाँ, अगर जीरो से ये वन हो जाता है लाइक 1.23175 जैसे यहां पर मैंने लिख करा है, तो इसको बोलेंगे लगभग 10 पिप्स की मूवमेंट है। ठीक है, 10 पिप्स की मूवमेंट बोलेंगे। ठीक है, वैसे ही डेसिमल से सेकंड लाइक डेसिमल से 1, 2 सेकंड अगर इस वाले पॉइंट पे, इस वाले नंबर पे चेंजेस आते हैं लाइक 3 से 5 हो जाता है। ठीक है, तो लगभग हम बोलेंगे दैट इज 200 पिप्स। ओके, क्योंकि एक पे होगा डेसिमल के सेकंड के एक डिजिट की मूवमेंट्स पे लगभग 100 पिप्स की या मार्केट ऊपर जाएगा या मार्केट नीचे आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। ये बहुत सारे करेंसी पेयर्स पे अप्लाई होता है। ठीक है, अब मैं आपको गोल्ड का ही बता दूंगा कि गोल्ड में बहुत ज्यादा ट्रेडिंग होती है, तो बट इसमें थोड़ा फंडा इसका अलग है। ठीक है, इसको पॉइंट्स में ज्यादा मेजर करते हैं, क्योंकि देखो जैसे कि गोल्ड है यहाँ पर, इसकी जो फ्रंट वाले डिजिट्स में मूवमेंट आती है ज्यादा, वैसे ही अगर मैं आपको यूरो यूएसडी का चार्ट दिखाऊं तो इसके फ्रंट वाले डिजिट में, जैसे ये वन है, इसमें बहुत कम ही, इसमें कोई बहुत कम ही चांसेस इसमें मूवमेंट है, बाकी इसके पॉइंट के पीछे वाली ही जो भी डिजिट्स है उन पे मूवमेंट आती है। बट गोल्ड में ऐसा नहीं रहता, गोल्ड का जो चीजें थोड़े फंडा अलग है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, अब जैसे कि गोल्ड 1905 से 1906 गया, 1905.00 1906.00 से लगभग 1905 से 1906, मतलब एक डिजिट का डिफरेंस है यहाँ पर पॉइंट के पहले का देखा जाए तो मार्केट एक पॉइंट मूव किया है। ठीक है, और हमेशा याद रखना एक पॉइंट के अंदर लगभग 10 पिप्स होते हैं। ठीक है, अब देखो जैसे कि एक और एग्जांपल दिखाता हूँ, मार्केट 1905 से 1905.402 से 1905.802 तक मूवमेंट किया, तो आपकी पिप्स कितने कैसे कैलकुलेट करोगे ये मैं आपको बताता हूँ। देखो सबसे पहली चीज, ये जो लास्ट में डिजिट है ना, इसको भूल जाओ। ठीक है, इसकी कोई ज्यादा वैल्यू नहीं रहती है। अब यहां पर आप देखोगे तो 40 को आप 4 काउंट कर लो और 80 को आप 8 बोल लो। ठीक है, लाइकवाइज जैसे कि अगर यहाँ 50 रहेगा तो आप इसको 5 बोलोगे, 70 रहेगा तो आप इसको 7 बोलोगे। ठीक है, और इसको जैसे 4-8 कितना आया, लगभग 4। ठीक है, तो 4 पिप्स मार्केट मूवमेंट किया है। ठीक है, लाइकवाइज यहां पर अगर पिप्स कैलकुलेशन करने आएगी, जैसे कि एग्जांपल, जैसे कि 1905 से मार्केट 1910.602 1905 से 0.402 से 1910.602 तक मार्केट गया। ठीक है, आपने यहाँ बाय किया और यहाँ पर सेल किया, दिस इज द बाइंग प्राइस एंड दिस इज द सेलिंग प्राइस। तो आप कैलकुलेट कैसे करोगे, तो यहाँ 1905 से 1910 तक लगभग टोटल 5 पॉइंट्स हो गए, और आपको मैंने बताया था कि एक पॉइंट में लगभग 10 पिप्स होते हैं, तो 5 × 10 करोगे दैट इज कॉल्ड 50, और प्लस यहाँ पर 40 को आप मान लोगे 4, 60 को मान लोगे आप 6,
6 माइनस 4 दैट इज 2, 50 प्लस 2 दैट इज 52 pips. ठीक है, तो गोल्ड में ऐसे पिप्स की कैलकुलेशन की जाती है. ठीक है, आई होप आपको सारी चीज समझ में आ, किसी को अगर कोई चीज समझ में नहीं आया तो ड्रॉप कमेंट में आप मैसेज ड्रॉप कर देना, मैं आप उसके ऊपर पर्टिकुलर कोई वीडियो बना लूंगा. ठीक है, देखो एक बार में चीज समझ में नहीं आती आई नो, बट अगर आप एक दो बार देखोगे तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी इसी वीडियो में. ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि दैट व्हाट इज बैलेंस एंड व्हाट इज इक्विटी. अब देखो, जो समझो आपने टोटल डिपॉजिट किया है लाइक $200. ठीक है, आपका टोटल $200 बैलेंस है, तो आपका जो ब्रोकिंग ऐप है लाइक मोस्टली जो यूज करते हैं लोग, ब्रोकर अलग यूज करते हैं और ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म अलग यूज करते हैं. ब्रोकर मल्टीपल ब्रोकर है, बट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म मोस्टली लोग MT4 या MT5 यूज करते हैं, तो ये उसके ऊपर टर्म्स है. तो आपको बैलेंस वहां पर दिखा देगा, आपने अगर $200 डिपॉजिट किया तो $200 आपका दिखाएगा, दिस इज योर बैलेंस. ठीक है, और आपने समझ लो ट्रेड ली जिसमें $20 प्रॉफिट चल रहा है, तो आपकी फ्लोटिंग इक्विटी रहेगी लगभग $220. अगर ये $20 से $30 हो जाता है आपका प्रॉफिट, तो आपकी इक्विटी लगभग $230 शो होती रहेगी. ठीक है, वैसे ही अगर बात करते हैं, अगर आपका लॉस चल रहा है लगभग $20 का, तो आपकी जो इक्विटी दिखाएगी $180. वैसे ही अगर आपका लॉस $20 से $50 हो गया, तो आपकी इक्विटी माइनस योर लॉस, सॉरी आपका बैलेंस माइनस योर लॉस, दिस विल बी योर न्यू इक्विटी जो फ्लोटिंग रहती है अगर आपकी ट्रेड चलती रहती है. और बट बैलेंस जो रहता है ना वो आफ्टर द डिडक्शन ऑफ लाइक, जैसे कि आपका लॉस हो गया तो आपका लॉस डिडक्ट करके आपके बैलेंस से, तो फिर आपका एक न्यू बैलेंस होगा. बट जो इक्विटी होती है वो लाइव ट्रेड्स के टाइम चलती रहती है. ठीक है, उसके साथ साथ मैं आपको बताता हूँ दैट इज व्हाट इज बुल मार्केट एंड बियर मार्केट. ठीक है, अब बुल मार्केट क्या होता है, बियर मार्केट होता है, इसके नाम बुल और बियर क्यों पड़े ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा. बुल मार्केट मोस्टली जब प्राइजेस किसी भी इंस्ट्रूमेंट के, किसी भी सिक्योरिटीज के लाइक गोल्ड हो गया, यूरो यूएसडी हो गया, किसी भी फॉरेक्स पेयर के, किसी भी कमोडिटी की प्राइजेस कंटिन्यूसली ऊपर जाते रहती है, तो दिस इज कॉल्ड बुल मार्केट. ठीक है, द मार्केट इज बुलिश बोला जाता है बुलिश को. वैसे ही अगर दूसरे साइड देखा जाए तो जब किसी भी कमोडिटी की या फिर किसी भी फॉरेक्स पेयर की, किसी भी चीज की अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो, किसी भी स्टॉक की प्राइसेस कंटिन्यूसली नीचे मार्केट आ रही है, तो उसको बोलेंगे मार्केट इज बियरिश, मार्केट बियरिश है, और बियर मार्केट भी बोला जाता है. और ये टर्म्स क्यों पड़ी है, देखो क्योंकि अटैकिंग करने का तरीका उस तरीके होता है. बुल हमें हमेशा अपने सिंगों से ऊपर अटैक करता है, जैसे सामने वाले जो भी एनिमी है उसको ऊपर साइड अटैक करता है. वैसे ही अगर बियर की बात करें तो बियर का जो तरीका होता है अपने क्लॉज या अपने पंजों से नीचे साइड अटैक करता है फेस पे किसी के, तो इसी से इसका नाम पड़ा द बुलिश और द बियरिश. ठीक है, अब उसके साथ साथ लॉट साइज क्या होता है, लॉट साइज मैं आपको बताता हूँ कि ज्यादा मतलब डेप्थ में जाने वाली चीज नहीं है, बस आपको इसकी इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, उसके हिसाब से मैंने यहाँ पर आपको बता रहा हूँ. इट मीन्स द क्वांटिटी यू आर बाय और सेल इन द मार्केट इज कॉल्ड लॉट. जैसे कि हम पर्टिकुलरली किसी भी चीज को मेजर करते हैं, जैसे कि हम वेट को केजी में मेजर करते हैं. ठीक है, तो क्या होता है कि हम जो भी यहाँ पर कमोडिटी खरीद रहे हैं लाइक गोल्ड, वो कितना खरीद रहे हैं वहां पर भी, यहां पर भी हमको मेजर करना होता है. तो यहां पर लॉट साइज होता है, जो करेंसी की लॉट साइज होती है एक लॉट में, अभी हम अगर करेंसी बाय करते हैं लाइक यूरो यूएसडी, तो लगभग हम 1,00,000 करेंसी बाय कर रहे होते हैं. ठीक है, अगर गोल्ड की बात करें, अगर हम गोल्ड हम एक लॉट बाय करते हैं, तो लगभग गोल्ड को 100 ounce ऑफ गोल्ड हम बाय कर रहे होते हैं मार्केट में. ठीक है, उसके साथ साथ लॉट साइजेस स्टार्टेड फ्रॉम लगभग माइक्रो. ठीक है, माइक्रो लॉट साइज स्टार्ट होती है जिसकी वैल्यू होती है 0.01 से खरीद सकते हो आप, 0.02 से, 0.03 से. ये मिनिमम, दिस इज द मिनिमम लॉट साइज यू कैन बाय इन द मार्केट. ये 0.01 आप किसी भी, जैसे कि अगर आप 100 ounce बाय कर रहे हो, अगर एक लॉट में अगर 100 ounce है, ठीक है, तो 0.01 में लगभग आपका 0.1 ounce ऑफ गोल्ड आएगा. ठीक है, क्लियर है, ओके. जैसे कि अगर बात करें तो 0.1 अगर इसको बोलते हैं मिनी लॉट, तो आपके इसमें लगभग 10 आउंस आएगा ऑफ गोल्ड. ठीक है, क्लियर है, तो दिस इज इस एक लॉट में आपका इतना सोना आएगा. ठीक है, लाइक गोल्ड, ओके, क्लियर है. अब देखो बिड एंड आस्क प्राइस मैं एक्सप्लेन करता हूं. हमेशा याद रखना बिड एंड आस्क प्राइस मार्केट में मैटर करता है. ठीक है, जैसे कि आप एग्जांपल बिड प्राइस है, इसको बोलते हैं मोस्टली सेलिंग प्राइस,
एंड आस्क प्राइस है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड बाइंग प्राइस। ठीक है, जैसे कि मार्केट में आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट को सेम प्राइस में बाय सेल नहीं कर सकते, थोड़ा बहुत माइनर डिफरेंस होता है। लाइक जैसे कि बिड प्राइस यहाँ पर दिया है 1846.60 एंड आस्क प्राइस यहाँ पर दिया है 1846.72, इसके जो बीच में डिफरेंस है ना, इसको बोलते हैं स्प्रेड। ठीक है ना, वो ब्रोकर के ऊपर रहता है, ब्रोकर स्प्रेड बनाता है, कभी कभी कहीं कहीं ज्यादा स्प्रेड होता है। हमेशा याद रखना कि आपको लो स्प्रेड वाले ब्रोकर चूज करने हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे रखा है, अगर आपको अकाउंट क्रिएट करना है वहां पर तो आप वहां पर प्रो अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, जिसमें बहुत ही कम स्प्रेड है, ठीक, बहुत ही कम डिफरेंस होता है उसमें। आपको इंस्टेंट जो आपकी पोजीशन है, लाइक यू आर बाइंग इन द मार्केट, ठीक है, तो स्प्रेड यहां पर इस लेवल में बाय कर रहे हो इन द प्राइस ऑफ 10, तो आपकी बाइक लगभग थोड़ी नीचे होती है 9 में। ठीक है, ये प्राइस है, कर मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, वही आप सेल कर रहे हो इन द प्राइस ऑफ 10, तो आपकी जो सेलिंग होगी वो थोड़े ऊपर होगी। ठीक है, तो ये ज्यादा बड़ा बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है स्प्रेड। ठीक है, और उसके साथ साथ अगर पास छोटा छोटे स्प्रेड है तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट भी मिलते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ व्हाट दैट इज शॉर्ट पोजीशन और लॉन्ग पोजीशन, ये क्या होता है। When you buy in the market, it is called long position. आप जब भी buy करते हो market में, like you buy a quantity of 0.1 of gold, XAU USD, तो आपने long किया है। ठीक है, वैसे ही जब आप sell करते हो market में, it is called short position, आपने position short करी है। ठीक है, उसके साथ साथ दो चीज और, that is SL, that is called stop loss price and target price. ठीक है, हमेशा याद रखना कि अगर कोई भी आप ट्रेड प्लेस कर रहे हो तो वहां पर आपका स्टॉप लॉस प्राइस डिसाइडेड होना चाहिए, यानी कि स्टॉप लॉस डिसाइड होना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल लेता हूं, इस पर्टिकुलर लेवल पे आपने प्लान किया, सॉरी जस्ट अ मिनट, ओके, तो इस पर्टिकुलर लेवल पे दिस इज योर बाय प्राइस, ओके, दिस इज व्हाट, ओके, दिस इज योर बाय प्राइस, ओके, दिस इज योर बाय प्राइस एंड दिस, आपको ये लग रहा है कि इस प्राइस, ये तो मिनिमम प्राइस है, इसके नीचे तो नहीं जाएगा मार्केट, बट इफ इट गोज बिलो इट, तो यहां पर आपका रहेगा स्टॉप लॉस प्राइस, ये वाला जो पर्टिकुलर प्राइस आएगा ना, ये वाले लेवल का, ठीक है, जितना भी आए, जैसे 1845 आए, पॉइंट समथिंग समथिंग समथिंग, तो ये आपका SL प्राइस रहेगा, कि मार्केट अगर इससे नीचे गया तो आपकी जो भी पोजीशन है वो ऑटोमेटिकली कट हो जाएगी, या फिर आप मैन्युअली भी कर सकते हो, खुद से काट सकते हो, या फिर आप ब्रोकर या फिर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म लगा के ये ऑटोमेटिकली भी कट जाता है, बट इसको लगाना बहुत जरूरी होता है, इसकी हेल्प से आपका जो लॉसेस ज्यादा नहीं होते, लॉसेस डिसाइड होते हैं। और व्हाट इज टीपी, टीपी इज कॉल्ड टारगेट प्राइस। जैसे कि एग्जांपल बताता हूं मैं आपको, कि आपको लग रहा है कि मार्केट यहां इस लेवल पे आपने जो बाय किया है, ये जो गोल्ड है ये इस लेवल से इस लेवल तक आएगा, तो दिस 1873.697 दिस इज कॉल्ड योर टीपी, दैट इज कॉल्ड टारगेट प्राइस। और यहां पर आप मैन्युअली भी बुक कर सकते हो, या फिर आप जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो उसमें आप लगा सकते हो कि माय टारगेट प्राइस विल बी 1873.697, तो यहां पर मार्केट आते ही आपका ऑलरेडी प्रॉफिट बुक हो जाएगा, आपकी पोजिशन क्लोज हो जाएगी, वैसी SL में आपकी पोजिशन भी ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाती है। तो ये लगाना बहुत जरूरी है, अगर आप टारगेट प्राइस ना भी लगाओ तो, बट ऐसे लगाना जरूर होता है, ये मैं आगे वीडियोस में एक्सप्लेन करूंगा कि ये कैसे लगाते हैं और क्यों लगाते हैं और कहां पर लगाते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ मैं बात करते हैं दैट इज लेवरेजेस की। अब लेवरेजेस होती क्या, ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मार्केट में जो हमारा ब्रोकर होता है हमको प्रोवाइड करता है लेवरेजेस, ये क्यों करता है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो क्या होता है, जो मार्केट में अगर आप ट्रेडिंग करने जाओगे ना, तो अगर आप रियल मनी से, जो अगर आपके पास 10,000 रुपए या 20,000 रुपए, अगर डॉलर्स में बात करो तो आप 100 या 200 डॉलर है, बट उस 200 डॉलर से ज्यादा क्वांटिटी बाय नहीं कर सकते। आप गोल्ड खरीदने जाओ, गोल्ड बहुत महंगा है, ओके, तो करेंसी खरीदने जाओ, करेंसी भी बहुत महंगी है। बट मार्केट में क्या होता है, जो ब्रोकर रहता है आपको एक लेवरेजेस प्रोवाइड करता है, लाइक एग्जाम्पल 1:100, ठीक है, 1:100 ये आपका ब्रोकर ने आपको लेवरेज प्रोवाइड किया, तो आप क्या कर सकते हो, $100 की गोल्ड को $1 में बाय कर सकते हो, वैसे ही अगर आप $1,000 की गोल्ड को $10 में बाय कर सकते हो, इस तरीके से लेवरेज प्रोवाइड करता है। बट हमेशा याद रखना कि लेवरेजेस की जो इतना बेनिफिट रहता है, उसके साथ उसका लॉस भी बहुत रहता है, कि अगर आपके फेवर में है मार्केट, आपके पोजिशन प्रॉफिट में है, दैट इज गुड, अगर लॉस में है तो उस स्पीड से लॉस भी होता है। ठीक है, और उसके साथ साथ जो जो एक्चुअल वैल्यू जो
आपने यूज करी है उस गोल्ड में बाय करने के लिए, तो उसको बोलते हैं हम लोग मार्जिन। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको एक कोर्स अच्छा लग रहा है प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स सो दैट उनको भी ये पता चले कि कोई फ्री में भी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है। थैंक यू सो मच, गुड बाय।